खबर मंडला से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा संघ घुघरी के द्वारा सर में घड़ा रखकर किया विरोध। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ब्लॉक शाखा घुघरी के 17 संगठनों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कलम बंद, कार्यालय बंद, हड़ताल पर हैं। और मांग की गई संयुक्त मोर्चा ब्लॉक शाखा घुघरी के द्वारा ब्लॉक संयोजक प्रदीप पाठक द्वारा बताया गया कि हमारी मांगे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, हमें रेगुलर बेस पर लिया जाए और हमें रेगुलर कर्मचारी की तरह वेतन दें। ग्राम रोजगार सहायक मदन बैरागी द्वारा बताया कि रोजगार सहायक संगठन के हड़ताल पर जाने से हितग्राही मूलक कार्य पूरी तरह से बंद पड़े हैं, जिससे हितग्राही मूलक प्रधानमंत्री आवास जैसे कार्यों में मजदूरों को हितग्राही को जो भी दिक्कत होगी उसका जवाबदार स्वयं शासन प्रशासन की होगी। और अपनी मांगों को लेकर आज घुघरी में संगठन के लोगों ने आज घड़ा को सर पर रखकर विरोध किया गया और मध्य प्रदेश सरकार को दोष देते हुए विरोध किया, यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। समस्त कर्मचारी अधिकारी विभिन्न संगठनों के लोग हड़ताल पर हैं। हड़ताल किस संबंध में किया गया है? हमारी जो है संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है प्रदेश स्तर पर, जिसके तत्वाधान में घुघरी विकास खंड में समस्त 17 संगठनों के साथ हम सबसे छोटे तबके के कर्मचारी रोजगार सहायक जो ग्राम पंचायत स्तर पर अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आप लोगों के हड़ताल पे जाने से हितग्राही मूलक कार्यों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी सरकारी काम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, जैसे समग्र पोर्टल पे नाम अपडेशन करना, आईडी जनरेट करना, या पेंशन पोर्टल पे पेंशन का जो है फॉर्म अपलोड करना। तो अभी हमारे हड़ताल पे जाने से जो है ये ग्राम पंचायत के सारे काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे शिक्षा विभाग में देखा जाए तो बच्चों की अगर आईडी नहीं है तो वो आईडी के लिए परेशान हो रहे हैं। पेंशन वाले अगर किसी को पेंशन में पात्रता रखते हैं तो उनका जो है पंचायत स्तर से सचिव महोदयों के द्वारा पेंशन का फॉर्म, तो इस प्रकार से आम जनता को जो है बहुत परेशानी हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ, चल मनरेगा के तहत जो है मजदूरी नहीं मिल पा रही विगत अभी 10 दिनों से जो है, जिसके कारण जो है लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो है वो भी रुक सा गया है, उनकी जियो टैगिंग नहीं हो पा रही। हमारे द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा जियो टैग किया जाता है, लेकिन अभी जब से हम हड़ताल पे हैं तब से ये काम पूरी तरह से प्रभावित है। हितग्राही मूलक कार्यों में जो है जैसे पीएम आवास है, मनरेगा में मजदूरी है, तो लोगों को जो है मजदूरी नहीं मिल पा रही हमारी के चलते, उनको जो है रोजगार की सख्त आवश्यकता है, लेकिन हम लोगों की जो है हड़ताल पे जाने से उन लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, इस कारण से लोग जो है पलायन करने पे मजबूर हैं। हितग्राहियों के साथ में जो है हमारे हड़ताल से जाने से बहुत सारी समस्या आ रही हैं, और इसी तरह से हड़ताल अगर आगे चलता रहा तो लोगों की परेशानी और बढ़ेगी और इस परेशानी का संपूर्ण जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन पे जाए। धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा जो है कब से हड़ताल किया गया है और किस संबंध में किया गया है? हम लोगों के द्वारा विकासखंड घुघरी में विगत 22 जुलाई से लगातार निरंतर हड़ताल की जा रही है, और इसमें हमारी जो कुछ मांगे हैं, जैसे कि अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा के हमारे जो कर्मचारी हैं, आजीविका मिशन के जो कर्मचारी हैं, और विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं में जो संविदा में जो कर्मचारी कार्यकरण को लेकर कितने संगठन हैं इसमें? अभी वर्तमान में 17 संगठन जो हैं वो संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हैं और सभी एक साथ एकजुट होकर हड़ताल कर रहे हैं। आपकी सरकार से किस प्रकार से मांग है? हमारी सरकार से मांग ये है कि पहली तो यह है कि 5 जून 2018 को जो नीति बनी थी संविदा नीति, उसे लागू करें। इसके अलावा हमारे जो सचिव महोदय हैं, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके समय मान वेतन मान दिए आदि की जो हमारी मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी और हमारी बातों हमारी जो मांग है उसे पूरा नहीं करेगी, तब तक संयुक्त मोर्चा निरंतर हड़ताल पर बैठा रहेगा। हम उठने वाले नहीं है। समस्त मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल, समस्त पूरे 52 जिलों में 313 ग्राम जनपद पंचायतों में ये संयुक्त मोर्चा के द्वारा हड़ताल की जा रही है। आज घुघरी में जो है आप लोगों द्वारा जो है मटकी वगैरह फोड़ा गया, ये हमारे संयुक्त मोर्चा का जो राज्य स्तरीय हमारी जो समिति है, हमारी जो कार्यकारिणी है, उनका ये निर्देश था कि एक हमारी मांगे जो नहीं मानी जा रही हैं, शासन अभी तक मूक बनकर सिर्फ तमाशे देख रहा है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये मटका जो फोड़ा है और उसमें हमारी जो मांगे थी उन मांगों को हमने लिखा था
और किसी भी तरीके से शासन और प्रशासन हमारी बातों को समझे और हमारी स्थिति को समझते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।